पीएम मोदी आज तमिलनाडु के दो मंदिरों के दर्शन करेंगे, श्री रंगनाथन स्वामी और रामेश्वरम के मंदिर जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राम मंदिर में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिरों की यात्रा कर रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी शनिवार 20 जनवरी को सुबह 11 बजे तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथन स्वामी मंदिर में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे रामेश्वरम मंदिर पहुंचेंगे और श्री रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। पीएम मोदी की विजिट से जुड़ी ये जानकारी पीएमओ ने शेयर की है। श्री रंगनाथन स्वामी और रामेश्वरम मंदिर भगवान राम के जीवन से जुड़े हैं। 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले प्रधानमंत्री इन मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं, जिनका जिक्र रामायण में है। पीएम मोदी का 20 जनवरी का स्केड्यूल श्री राम के रंगनाथन स्वामी मंदिर में दर्शन के बाद पीएम मोदी श्री रामायण पारायण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस आयोजन में 8 अलग अलग पारंपरिक मंडलियां भगवान राम की अयोध्या वापसी के प्रसंग का वर्णन करेंगी। ये मंडलियां संस्कृत, अवधि, कश्मीरी, गुरुमुखी, असमिया, बंगाली, मैथिली और गुजराती रामकथाओं का पाठ करेंगी। श्री रामनाथन स्वामी मंदिर में दर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भजन संध्या में भी शामिल लेंगे, जहां शाम को मंदिर परिसर में कई भक्ति गीत गाए जाएंगे। क्यों खास है रंगनाथन स्वामी मंदिर? त्रिची के श्रीरंगम में बना श्री रंगनाथन स्वामी मंदिर देश के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इसका उल्लेख पुराणों समेत कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यह अपनी स्थापित कला और गोपुरम के लिए मशहूर है। यहाँ पूजे जाने वाले मुख्य देवता श्री रंगनाथ स्वामी है, जो भगवान विष्णु का लेटा हुआ रूप है। इसके अलावा पहली बार तमिल कवि कंबन ने यहाँ कंब रामायणम को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया था। क्यों खास है रामनाथ स्वामी का मंदिर? इस मंदिर में पूजे जाने वाले मुख्य देवता श्री रामनाथन स्वामी हैं, जो भगवान शिव का एक रूप है। यह मान्यता है कि इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना और पूजा श्री राम और माता सीता ने की थी। यह मंदिर सबसे लंबे मंदिर गलियारे में से एक है, जो अपनी सुंदर वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। 21 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी धनुषकोड़ी के कोंदार स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। इसके बाद वे धनुषकोड़ी के पार अरिचल मुनाई भी जाएंगे, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह राम सेतु का निर्माण हुआ था। कोंडंदा रामा नाम का अर्थ धनुषधारी राम है। ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर विभीषण पहली बार श्री राम से मिले थे और उनसे शरण मांगी थी। कुछ किंवदंतियां ये भी कहती हैं कि वही जगह है जहां श्री राम ने विभीषण का राज्य अभिषेक किया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।